अभी मैं खुद के साथ पिक्चर करने में बहुत बिजी हूँ. साथ पिक्चर नहीं, मैं माही के साथ पिक्चर कर रही हूँ. शादी कब कर रही है? मैं इतने सारे फैंस का दिल नहीं तोड़ सकती शादी कर. एक ही है जिसपे सब कुछ है. फिल्म जगत में न जाने कितने लोग अपना किस्मत आजमाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कलाकार बन पाते हैं. हम ज्यादा वक्त जया ना करते हुए सीधे जया पे आते हैं. हमारे साथ सुपरस्टार कलाकार माही श्रीवास्तव जी हैं. आपका प्रभात खबर में बहुत स्वागत है माही जी. थैंक यू सो मच आपका प्रभात खबर का. सबसे पहले हम जया के ही बारे में बात करते हैं कि जया का कास्ट के बारे में आप थोड़ा सा बिल्कुल छोटे कम समय में आप इसको बता दीजिए. जया की स्टोरी तो डायरेक्टर सर, राइटर सर, प्रोड्यूसर सर रेडी कर रहे ही होंगे. उसके बाद एक शाम मुझे फोन आती है कि एक ऐसी स्टोरी है और हम ऐसे शूट करेंगे. तो थोड़ा सा मैं सोची कि कितना, जब घाट पे शूट करेंगे ऐसे कितनी चीज़ों. फिर मुझे समझ आया कि नहीं, जैसी पिक्चरें भोजपुरी में बन रही हैं, अगर हमको उस मिथा को तोड़ना है तो मुझे कुछ तो कठिनाइयों का सामना उठाना करना पड़ेगा, कुछ तो कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी. उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पिक्चर साइन की है. और थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम का, प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर सर का, कि उन्होंने मुझे इस कला को निभाने का, इस किरदार को निभाने का मौका दिया. जब आप ये मूवी के लिए हाँ कहा, साइन किया, तो आपके फैमिली में किसी ने कहा कि अरे तुम वहाँ जाओगी, ऐसे सूट करोगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा? या कभी आपको इस बारे में सपना या ख्याल नहीं आया कि ऐसा कुछ है जहाँ लोग अंतिम सांस लेते हैं वहां से मैं सूट कर रही हूँ करके? जब स्टोरी आई तो मेरी माँ मेरे सामने ही बैठी थी, या शायद मैंने कॉल किया होगा तो बताया होगा कि, तो मेरी माँ कह रही है बेटा, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, तो बेटा वहाँ कैसे कर पाओगी, ध्यान रखना नहीं बर्दाश्त हो पाएगा, हम लोगों में लड़कियां नहीं जाती हैं. बहुत सारी चीजें सामने आई. पर एक कलाकार के लिए कला से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है. तो बस मैं बोली, मम्मी ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है, मुझे करना है. तो फिर माँ ने बोला, ठीक है, अगर तुमको समझ आता है, तुम झेल पाओगी, बर्दाश्त कर पाओगी तो करो. उसमें आपके छोटे छोटे बाल कर लिए गए. वो सीन है कि मेरा जो बच्चा है वो डेथ हो जाती है उसकी. उसके डेथ होने के बाद मेरा और कोई नहीं, पति नहीं है, फादर से थोड़ी अनबन चल रही है. तो मेरे बच्चे का दाह संस्कार, और बट ऑब्वियस की नाती का दाह संस्कार नाना तो नहीं करेगा. तो फिर वो मैं एक करती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा है, मैं अब अपने बच्चे के साथ इस घाट पर ही जिंदगी गुजारूंगी और मैं ही उसका दाह संस्कार करूंगी. उसी के दौरान मेरे बाल, जब मैं दाह संस्कार करके जो आगे की जो प्रोसेस है उसमें मैंने बाल कट किए थे. आपने लुक देखा तो आपको क्या लगा था देखकर? बहुत पसंद है मुझे वो लुक, क्योंकि हमेशा ना अभिनेत्री एक्ट्रेस चाहती है कि वो ग्लैमरस दिखे. बट ग्लैमरसनेस में ना आपके किरदार छिप जाते हैं. जब आप रॉ परफॉर्म करती हैं, जब आप ऐसे आती हैं जबकि आपको दुनिया खूबसूरती के अलावा देखती है, तो आपका किरदार उभरता है, तो आप उभरते हैं. तो मेरी सुंदरता या मेरी ब्यूटी के पीछे किसी की नजर ना जाए, किरदार पे जाए, इसीलिए मैंने वो लुक फॉलो किया है. किस टाइप का एक्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे? मुझे तो जो जया जिस जॉनर की पिक्चर है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है. और मुझे नरगिश जी का एक्ट बहुत अच्छा लगता है, और एक माधुरी मैम जी बहुत अच्छा काम उनका, मैं बहुत सीखती हूँ. तो वो भी मेरे जो इंस्पिरेशन रहते हैं हमेशा, वो बहुत पुरानी एक्ट्रेसेस हैं. नहीं, मैं मुझे वो समझ में नहीं आता कि हम उससे इंस्पिरेशन कैसे लें. बॉलीवुड में कौन पसंद है आपको? माधुरी मैम पसंद है. लाइफस्टाइल में, खाने में क्या पसंद होगा? मुझे खाने में दाल चावल और भुजिया बहुत पसंद है, और आम. बिल्कुल बिहारी. हाँ, बहुत. जब भी मैं इंटरनेशनल कहीं रहती हूँ, जब मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, तो मैं अगर सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपने देश की चीज़, तो अपनी एक माँ है और दाल चावल भुजिया है. पता नहीं क्यों मुझे हर दिन याद आता है. तो आप जब एक्ट्रेस बन गई और घर से बाहर निकलती हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बहुत प्यार करते हैं वो. अगर आप ऐसे ही निकल जाती हैं? नहीं नहीं, ऐसे निकलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. थोड़े छुप कर निकलते हैं, जैसे कभी कोई कभी कोई सिनेमा ही देखना हुआ तो छुप कर निकल जाना, मास्क लगा लेना, दुपट्टा बांध लेना कि हमें पहचान ना पाए. और किसके साथ अगली मूवी आप? अभी मैं खुद के साथ पिक्चर करने में बहुत बिजी हूँ, और मैं स्टोरी के साथ पिक्चर, बिकॉज आज के समय में ये दौर आ गया है कि अब हीरो या हीरोइन मैटर नहीं करने लगे हैं, अब ना कॉन्सेप्ट मैटर करने लगा है. पहले ना गीत को किरदार गाते थे, किरदार को गीत गाता है.
अलग हो चुका है अब दौर, तो मेरा सारी पिक्चर जितने भी अभी लाइन में है, अभी लॉटरी, काली मेहंदी और अदर भी सारी पिक्चर, तो साथ पिक्चर नहीं, मैं माही के साथ पिक्चर कर रही हूँ। एक बस लास्ट सवाल है, शादी कब कर रही है? ओह माय गॉड, अभी नहीं, बिकॉज अभी मैं शादी के लिए बहुत छोटी हूँ। सिनेमा में तो मैं हूँ, लोग मुझे बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं, वो मुझे बहुत समझते हैं कि मैं एक बहुत मैच्योर हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ, बट मैं अभी बहुत छोटी हूँ, सब बच्चा समझ के प्यार आशीर्वाद दीजिए। अभी बहुत लंबा समय है आप लोगों को मेरी शादी देखने में, और मैं इतने सारे फैंस का दिल नहीं तोड़ सकती शादी करके, प्लीज। ठीक है, कोई लेकिन चाहता है कि मिल जाती माही जी तो मैं सबको तो नहीं मिल सकती। कोई है? नहीं नहीं अभी कोई नहीं, नहीं एक ही है जिसपे सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया हमें। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।